से। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि यहां पे दुर्गा मंदिर है और वहां पे पूजा भी होता है, तो रामायण पाठ जो चल रहा है जिसकी वजह से लाउड स्पीकर चालू है तो उसका साउंड इसमें थोड़ा सा आता है जिसकी वजह से नॉइज प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स आप उसे इग्नोर कीजिएगा, मैं यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में एडिटिंग बता रहा हूँ, काफ़ी शॉर्ट कर दे वो वीडियो को, मैं फुल एडिटिंग नहीं बता रहा हूँ, बस आपको प्रीसेट प्रोवाइड करके और एडिटिंग बता दे रहा हूँ। तो प्रीसेट आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसके लिए वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा और फ्रेंड्स वेबसाइट पे विजिट करके मैं फिर से इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। मैं जब गूगल ओपन करूँगा तो शायद मेरा जो साउंड है माइक का वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए आप प्रोसेस देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जो मेरा वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं, ये इसका जो नाइट विजन चालू और ऑफ मतलब ऑफ ऑन करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसे देख लीजिएगा। मतलब जिस में ब्लैक करना चाहे तो ब्लैक कर सकते हैं डार्क मोड में, और नॉर्मल व्हाइट में रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट तो मिल जाएंगे, बट इससे तो काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे हुए, तो आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए वो कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लास्ट में वीडियो के लास्ट में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल में लिखा हुआ है HA91, तो इसी तरह से वहाँ पे भी कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली उसी को यहाँ पे सर्च करना है। सर्च कहाँ करना है, ये जो फाइल देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, देन सर्च वाले ऑप्शन में जाकर और यहाँ पर आपको सर्च करना है A50। मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ, जैसे ही यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एक पोस्ट मुझे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं A50 का जो पोस्ट था यहाँ पे देखने को मिल गया, तो इसे हम सिंपली ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, ऐड को हम यहाँ से स्किप करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन होकर आ गया, ठीक है इस तरह से। अब यहाँ पे फुल प्रीसेट आपको कैसे मिलेगा, तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं फुल प्रीसेट और सॉन्ग प्रीसेट लिखा हुआ है, तो जिसमें सॉन्ग प्रीसेट होगा तो सॉन्ग इसमें भी होगा। अगर दोनों यहाँ पे जहाँ पे भी दोनों होगा तो इस दोनों को इंपोर्ट कर लीजिएगा, और जहाँ पे एक होगा तो बस एक को ही इंपोर्ट करना होगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करना तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा ये इंपोर्ट करने का एलाइट मोशन में, देख सकते हैं वेरीफाई लिंक हो रहा है, देन यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया। ये फाइल है 5.6 MB का, ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी मिल जाएगा, आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैं पहले से इंपोर्ट करके रखा हूं, तो मैं यहां पे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूं। ये वाला प्रोजेक्ट है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ आपको दिख रहा है और ग्रुप में सारी चीज़ें सॉन्ग लाइटिक्स सारी चीज़ें इसी में है, तो आपको क्या करना है इस ग्रुप को सिंपली ओपन करना है। तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, एडिट ग्रुप में जाइएगा, अभी यहाँ पे सारा चीज़ बना बनाया, सिर्फ आपको अपना फोटो यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है। तो फोटो रिप्लेस कैसे करेंगे, उसके लिए नीचे तो स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे जो मॉडल फोटो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये मॉडल फोटो आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर टैप कर लीजिएगा। देन टैप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो ले लेना है, जो भी फोटो आप लेंगे उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए पूरी तरह से और फोटो PNG में होना चाहिए। तो मैं पहले से काफ़ी सारे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हूँ, तो मैं वहां से एक बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ फ़ोटो ले लेता हूं। जैसे आप यहां पे देख सकते काफ़ी सारे फ़ोटो मेरे को दिख रहे हैं, तो मैं इसमें से कोई सा भी एक तो फ़ोटो ले लूँगा जो थोड़ा अच्छा हो देखने में और सही लगे देखने में, तो उस टाइप का फ़ोटो ले लूँगा। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, देने यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है, फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है, बस इसे हमें थोड़ी सी एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट से पे जाएंगे और हाइट वेट इसका एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से हल्का सा। यहाँ पर ब्लैक ब्लैक जो आ जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये लाइट जो है इस लाइट को आपको ऑफ कर देना है इस तरह से, परफेक्ट लाइट हमने ऑफ कर दिया। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अब इसे आपको क्या करना, 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं लड़की साइड में, लड़का इस साइड में साइकिल पर, तो मेरे फोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही एडजस्ट हो जा रहा है। आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, तो इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह से, थोड़ा सा और नीचे करते हैं इस तरह से, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, जूम करने पे ये फट रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं बैक करते हैं पहले। बैक करने के बाद फ्रेंड्स इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसका जो हम ग्रुप बना देंगे, तो अब ये नहीं फटेगा इस तरह से, इसका ग्रुप हो गया। अब इसे हम जूम करेंगे तो ये नहीं फटेगा इस तरह से, जूम होगा, ठीक है। तो आप इसे जितना पे रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, परफेक्ट इस तरह से रखिएगा कि देखने में सही लगे, तो मैं इतना पे ही रहने देता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट इस तरह से। देन हमारा यहाँ का एडिटिंग जो कंप्लीट है, अब बैकग्राउंड में लाइरिक्स जो देख सकते हो उसे एडजस्ट करना है, तो लाइरिक्स और सॉन्ग दोनों साथ में, तो आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस ग्रुप को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे एक ग्रुप आपको दिख रहा है ये वाला, एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप में जा रहा है, कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पर लाइरिक्स आप देख सकते हैं और सॉन्ग भी है, तो आपको सॉन्ग को ऊपर कर लेते हैं ताकि इसके बराबर में हम कट कर दें, थोड़ा सा आगे पीछे लग रहा था तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं।
परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे जो सॉन्ग दिया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एडजस्ट किया हुआ है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्लैक जो है तो इसे ट्रांसपेरेंट कर लीजिएगा तो सही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लिरिक्स हमारे सॉन्ग के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है। बट अगर आप चाहते हैं यहाँ से सॉन्ग चेंज करना या लिरिक्स चेंज करना तो आप इजीली कर सकते हो, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। तो सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। इसके बाद ये प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो में जाइएगा, तो जो भी सॉन्ग लेना चाहते हो उसे ले लीजिएगा, सॉन्ग को प्ले करके सुन लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने पूरा लाइन लिखा था, मैं आधा लिखकर आपको दिखाता हूँ। जैसे दिल ने ये कहा है तो इतना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिल ने ये कहा है। अब इससे आगे के लिए हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं, मतलब कट कर लेते हैं, देन इसे राइट क्लिक करते हैं, एक बार फिर से प्ले करेंगे। लिरिक्स से स्टार्ट कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, कहा है यहाँ तक। तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ये वाली ऑप्शन टैप करके और कट कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आगे आपका खाली हो गया, अब इसे सेलेक्ट कीजिए, ये वाली ऑप्शन टैप कीजिए, यहाँ पे कॉपी लेयर कर लीजिएगा, देन इसके लास्ट में आकर और ये वाली ऑप्शन टैप करके पेस्ट लेयर कर लीजिएगा, जहाँ से आपका नेक्स्ट वाला प्ले होगा वहाँ पे दिल से। तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, जो लिखा हो उसे क्लियर करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे दिल से, यहाँ पे ये इतना ही रहेगा दिल से, ठीक है, और राइट क्लिक कर लेंगे। तो अभी प्ले कीजिए कुछ इस तरह से है दिल से यहाँ पे मैंने है दिल से, ठीक है, इतना मतलब आप अपने लिरिक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा, फिर इसे देख लीजिए कहाँ तक है। तो हम इसे यहाँ तक रख ले हाँ वाला जो है वहाँ तक। तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ये वाले ऑप्शन टैप करेंगे ड्यूरेशन वाले पे और इसे आगे तक खींच लेंगे। इसके बाद वाले के लिए फिर से सेम प्रोसेस, ये वाले ऑप्शन टैप करना है, पेस्ट लेयर करना है, जो भी लिरिक्स होगा उसे टाइप कीजिएगा, यहाँ पे जो नीचे पहले से है उसे डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से नीचे वाला पूरा डिलीट कर दीजिएगा लास्ट तक, और अपना आप सॉन्ग जो भी होगा उसका लिरिक्स आप लिख लीजिएगा लास्ट तक। इफेक्ट सेम रहेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट लिरिक्स का यही इफेक्ट रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ से बैक आ जाइएगा, एक बार फिर से बैक करेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट इस तरह से आ जाएगा। इसमें इफेक्ट लगा हुआ है, ये ग्रुप जो है आप देख सकते हैं इसमें इफेक्ट लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को ऐसे ही रहने दीजिएगा और आपकी एडिटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है, आप अपना लोगो वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देन ऊपर एडो जो देखते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा और एक्सपर्ट पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपको फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई, उस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, कोई भी परेशानी होती है आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका सोल्यूशन मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।